Aitar Shah, aaj goli mari mari mathe. Baki to ko center ke mari mari mathe goli. Sahi ko goli mari mathe. Mari mari mathe. Goli mari mathe. A goli maro. A goli maro to ko mari. Maar kon se dilam. Ma sabar kai wa sabar hal jati thi. Sabar kai na thi thi. Ma tyar hai. Sahi. ये चीखो पुकार दो हिंदू लड़कियों रीना और रवीना के बाप की है, जो पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी बेटियों के अगवा और जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाकर उनकी शादी कर देने के खिलाफ धरना दिए बैठा है। पाकिस्तान में अकलियतों यानी कि माइनॉरिटीज के साथ इस तरह का सलूक कोई नई बात नहीं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स ऑफ पाकिस्तान की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1000 से ज़ायद लड़कियों को जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाकर उनकी शादी कर दी जाती है, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हिंदू या ईसाई मजहब से होती हैं। पाकिस्तान में अकलियतें चूंकि माली तौर पर गरीब होती हैं, इसलिए वो कोर्ट कचहरी के चक्करों से दूर रहते हैं और इसी वजह से जबरदस्ती मजहब तब्दील करने के बहुत बहुत कम केसेस रजिस्टर हो पाते हैं। इन्हीं केसेस में से एक केस 19 साला रिंकल कुमारी का था, जो 2012 में जबरदस्ती अगवा हुई और उसका जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाकर शादी कर दी गई। इन्हीं दिनों में दो और हिंदू लड़कियों लता कुमारी और आशा कुमारी, जो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थीं, उनको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाकर उनकी शादी कर दी गई। इस बात का केस चला और केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में लड़कियों ने बयान दिया कि उनसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया और वो अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हैं, अपने मुसलमान शौहरों के पास नहीं रहना चाहती। 2014 में हिंदू लड़कियों से जबरदस्ती मजहब की तब्दीली के 265 केस 265 केसेस सामने आए। जबरदस्ती मजहब तब्दील करने का घिनौना काम पाकिस्तान के सूबा सिंध के इलाकों उमरकोट, मातली, घोटकी और ठट्टा के इलाकों में होता है। इस काम में मातली के इलाके का देवबंदी मदरसा बैतुल इस्लाम और मशहूर सियासतदान मियां मिट्ठू मुलविस हैं। ये मियां मिट्ठू कौन है? मियां मिट्ठू पाकिस्तान की लेफ्टिस्ट जमात पीपल्स पार्टी के टिकट पर मेंबर कौमी असेंबली रह चुके हैं और जितने भी जबरदस्ती मजहब की तब्दीली के केसेस सामने आए हैं, इनमें कहीं ना कहीं मियां मिट्ठू का किरदार जरूर होता है। मियां मिट्ठू पाकिस्तान आर्मी के करीब समझे जाते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तकरीबात में शिरकत करते हैं, पाकिस्तानी फौजियों के सर काटकर उनके साथ फुटबॉल खेलने वाला एहसानुल्लाह एहसान हो, घर से भागकर दाएश ज्वाइन करने वाली नौरीन लगारी हो, या हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने वाला मियां मिट्ठू हो, पाकिस्तान आर्मी अपने असासों की हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से करती है, इसीलिए मियां मिट्ठू आज तक कभी कानून की गिरफ्त में नहीं आया। पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं और बाकी अकलियतों को मेरा मशवरा है कि पाकिस्तान से जिंदा भाग।